आज MTV WhatsApp पे लेट्स फाइंड आउट हु वुड यंगस्टर्स लाइक टू बिड एंड ओबामास हेयर कट इन ट्रेंड. WhatsApp, आयुष्मान एंड मिकी माउस आर बैक ऑन Pepsi MTV WhatsApp, द वॉइस ऑफ यंगिस्तान. इट्स अ डिफरेंट टी शर्ट एंड गेस व्हाट, इवन हेडलाइंस आर डिफरेंट. हेडलाइन नंबर वन, हैप्पी बर्थडे श्रीशांत. अब आप बच्चे नहीं रहे, आप 26 साल के हो गए हैं. भज्जी को फोन करना पड़ेगा आपको बर्थडे स्लैप्स देने के लिए, और इस बार प्लीज रोना मत. हेडलाइन नंबर टू, अगर देवदी का प्रेमियर पास आपको मिलता है तो आपको एक कॉन्डम फ्री में मिलेगा, साथ में एक टैगलाइन पढ़ने को मिलेगा जो कहता है कम फॉल इन लस्ट. हेडलाइन नंबर थ्री, ओबामा को व्हाइट हाउस में स्मोक नहीं करने दिया जाएगा. रिस्ट्रिक्शन लगाई उनकी वाइफ मिशेल ने, कहते हैं कि अगर आप रिड्यूस करते हैं स्मोकिंग तो आपकी सेक्स लाइफ इंक्रीज होती है. बाय द वे, यंगिस्तान भी ओबामा से इंस्पायर होकर कुछ कर रहा है. गो चेक आउट द बिग डोर. First it was the Tere Naam Lambe Baal look, then Dhoni's hair got everyone talking. After that it was Gajni's cut, magar aajkal Barack Obama ka hairstyle is getting all the attention. While I get pampered, you go check out the trend. क्या यहाँ पे बहुत लोग आके ओबामा कट के लिए पूछते हैं? या वो प्रेसिडेंट होने के बाद में बहुत फेमस हो गया उसका हेयर कट. So I think people kind of opting for that haircut to be shown as a strong personality. So are you ready to look like Barack Obama? Yeah, sure. Why did you decide to get his haircut? I think the Gajni is out, so Obama is in. So do you think the cut is going to get very popular with youngsters? It's already a rage, you know, youngsters. So what would you rather go for, a man with a Gajni haircut or a man with the Obama haircut? Honestly, person-wise, I would go for Obama, but for the haircut-wise, I would choose Gajni. So would you date a guy with that haircut? I don't mind at all. So especially because now that you associate that with Obama, if a guy came up to you, you would give him a second look. Obama being who he is and the personality he carries, I think definitely. I think women would get their guys to get it, you know? So I can't imagine the last time that something like this became so huge. I mean, if you're a woman, you'd say go get it. From the roadside chai ki dukan till the White House, the Obama cut is the craze. And now in Bangalore, we've got our own youngestani, Mr. President. What's up, all you small car lovers? नैनो की बुकिंग स्टार्ट होने वाली है शायद फेब्रुअरी एंड में, और बहुत लंबी लाइन है. 70,000 बुकिंग अमाउंट है. इतनी लंबी लाइन है कि जब तक आपकी बारी आएगी तब तक शायद नैनो जैसी 10 गाड़ियां मार्केट में आ जाएंगी. ऑन दैट नोट, गो चेक आउट द नेक्स्ट स्टोरी. भाई लोग, IPL सीजन शुरू हो गया है और आज गोवा में ऑक्शन हो रहा है. कौन कितने में बिकेगा, कौन कितने में खरीदेगा. इस खरीद फरोख्त के बीच में हम गए यंगिस्तान के पास और ये 4 रन. भाई तेरे को पता है कि आज गोवा में ऑक्शन हो रहा है IPL प्लेयर्स, ओके? किसको सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए? शेन वॉर्न. मोटा हो गया रे. गौतम गंभीर. फ्लिंटॉक. केविन पीटरसन. सस्ते में किसको खरीदना चाहिए? वसीम जाफर है, राहुल द्रविड़ है. ऑल द फॉरेन प्लेयर्स. मुनाफ पटेल. मोंटी पाने सर, क्योंकि वो यहाँ का होकर भी उधर से खेल रहा है. अभी देख, रिसेशन का टाइम चल रहा है. हाँ. कौन सा प्लेयर के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्काउंट होना चाहिए? लक्ष्मीपति बालाजी. 50% डिस्काउंट. राहुल द्रविड़, वसीम जाफर एंड लक्ष्मण शुड हैव 90% डिस्काउंट. पॉन्टी के साथ 2-3 लोग फ्री आने चाहिए. अगर मैं खेल लेता क्रिकेट, कितने में खरीदेंगे आप मुझे? पानी पिलाने में आप काम आ सकते हो. अमाउंट माइनस में होती है. बाप रे बाप, इतने सारे प्लेयर्स, इतना सारा पैसा, 1.35 मिले में इतने सारे जीरोस, माय गॉड. लेकिन ये क्रिकेट से मैं थोड़ा टेम्पटेड हो गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को सेल पे डाल दूँ. हाय अंधा क्रिकेटर को पैसा दे दे बाबा, बाबा अंधा क्रिकेटर को पैसा दे दे. आपको याद है एक हाइप क्रिएट हुई थी 500 रुपए के लैपटॉप को लेकर, पता लगा है वो बस एक कंप्यूटिंग डिवाइस है. मेरे पास भी कंप्यूटिंग डिवाइस है 200 रुपए का. इसमें फेसबुक चेक कर सकते हैं? मैं ट्राई करता हूँ. यू गो चेक आउट Pepsi MTV WhatsApp पोल ऑफ द डे.
Recently, another young professional from Andhra was found murdered in the US. It is the 8th murder of young student professional from Andhra in the US in 15 months. So, aaj ka hamara sawal hai, are you scared of applying abroad for education in the wake of the Andhra student murders? SMS hi Anna to 56882 and let us know the voice of Youngistan. Tab humne aapse pucha tha, will you miss the masala Pakistan brings to the game of cricket in this year's IPL? 65% ne kaha ha, Pakistan players bring a lot of drama to the game. 35% ne kaha nahi, cricket as a game is supreme and not the country that a player belongs to. Now it's time for my favorite segment. मेरी उंगलियां तरस रही हैं आपकी मेल चेक करने के लिए. पहली मेल अमीन ने भेजी हैदराबाद से. I found Jose's lost brother and he should be proud of it because वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलता है. His name is Pragyan Ojha. He looks like Jose. दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे. By the way, Jose को क्रिकेट तो दूर की बात, बॉल पकड़नी तक नहीं आती है. सेकेंड मेल भेजी है अंकुर गोविल ने. ये पिक्चर उन्हें भेजी है. इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर एंड ही सेज दैट नाउ आई नो व्हाई डू गर्ल्स टॉप द एग्जाम्स. ब्रदर यू आर ग्रोस एंड यू आर नैनो इंटेलिजेंट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप वाचिंग पेप्सी एमडी व्हाट्सएप द वॉइस ऑफ यंगिस्तान. अपनी मेल्स भेजते रहो एंड नाउ यू कैन चेंज द चैनल.